नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत को उनकी जयंती पर याद किया गया। भारतीय किसान यूनियन की जिला इकाई ने शिव कॉलोनी स्थित किसान भवन में कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण दिवस मनाया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष रामफल कंडेला की अगुवाई में किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किसानी और किसान को बचाने का संदेश दिया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बाबा टिकैत सादगी की मिसाल थे। उन्होंने अपना जीवन किसान और खेती को बचाने में लगा दिया। बड़े से बड़ा लालच उन्हें हिला नहीं पाया। वीपी सिंह सरकार के दौरान चौधरी देवीलाल की ओर से रखी गई राज्यसभा सदस्य बनाने की पेशकश को उन्होंने टाल दिया था। किसान नेता रामफल कंडेला ने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को याद करते हुए कहा कि वे सदा पर्यावरण को बचाए रखने का संदेश देते थे। पानी, मिट्टी और हवा के संरक्षण से ही पर्यावरण का संरक्षण होता है। किसान खेती से पर्यावरण को बचाता है, पानी कैसे संरक्षित हो इसका भी पूरा ख्याल रखता है। जीन से हमारे संवाददाता प्रवीण वर्मा की रिपोर्ट। आज मौन इसलिए रखा गया जो हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जो इनके गठन किया और हमारा किसान के ऊपर जो आवाज़ बुलंद करी पूरे हिंदुस्तान में, तो बाबा महेंद्र सिंह की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज़ के ऊपर पूरा डंका बजता है जी। आज भी संयुक्त मोर्चा और संयुक्त मोर्चे के आह्वान के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के भारत के अंदर चला हुआ है। किसान को बर्बाद करने के लिए भारत सरकार जो कानून लाई है इसके खिलाफत में भी बाबा महेंद्र सिंह के टिकैत की आवाज़ के ऊपर आज करोड़ों आदमी रोड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं। 11 महीने हो चुके हैं और बाबा महेंद्र सिंह की यह देन है जो हमारे रामफल कंडेला और इनकी चालू किया 77-78 के अंदर, जो आज हमने इनकी आज्ञा से आज जो हमारी किसानी और मजदूरी चलती रहेगी, तो इनकी नाम और आवाज बुलंद ये जिंदे हैं। सरदार भगत सिंह सेवा और किसान नेतागिरी के हिसाब किताब से याद किया जाता है। ये जो भी मतलब किसान के अंदर परिवर्तन या कोई भी मतलब नए आयाम शुरू किए जाते हैं वो बाबा जी के ध्यान में रख कर के ही किए जाते हैं। आज जो हमारा बाबा जी का पुण्यतिथि मनाने का लक्ष्य है वो पर्यावरण के ऊपर बात है, क्योंकि सरकार बार बार किसान के ऊपर जो है नहीं दुनिया भर का जुल्म टहने की कोशिश करती है और पर्यावरण का नाम लेकर के किसान के ऊपर तरह तरह के जुर्माने लाने की कोशिश करती है। हम पहले दिन से ही ये बात कहते हैं और बाबा जी भी यही बात कहते थे, अगर किसान का जो है नहीं पर्यावरण के लिए सबसे पहले पर्यावरण को मतलब सुरक्षित रखने के लिए अपने उद्देश्य और अपना कारोबार करता है, मगर ये लोग जो है दूसरे कारखानेदार या व्यापारी लोग तरह तरह के नए मतलब आयाम और कतरन ला करके इसमें प्रदूषण फैलाने की कोशिश करती हैं। जैसे आपका जो है तेल का है उसका प्रदूषण है उसके बाद हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।